दिस इज मी एलिस्टर, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो अपने सर मुजफ्फरपुर से मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग व्लॉग। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है और उसके साथ ही एनिवर्सरी हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गया और कोई भी सेलिब्रेशन आप करने के लिए एक अच्छा सा बैंक्वेट हॉल ढूंढ रहे हैं, एक लॉन एरिया ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग हो एंड बजट फ्रेंडली प्राइस में आपको सारा कुछ मिल जाए, लाइक केटरिंग भी हो जाए, फूडिंग भी इंक्लूड हो जाए, लाइक रूम्स भी अवेलेबल हो, सब कुछ हो। तो एक ऐसे ही बैंक्वेट हॉल, एक ऐसे लॉन को मैं कवर करने आ गई हूँ जिसका नाम है द जामुन ट्री। आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा और रिसेंटली जो कुल्हड़ किंग का मैंने वीडियो बनाया था वो इसी कैंपस में ही है। तो अभी हम ज्यादा बातें नहीं करते, सबसे पहले मैं बताती हूँ ये है कहाँ पे, बीबीगंज यस राज मोटर्स के पास में। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर भी देख सकते हैं एंड यहाँ का एड्रेस, मैप लोकेशन सब कुछ मिल जाएगा। और चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सकती है भगवानपुर और ये पूरा एरिया जो है बीबीगंज है और ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हो गया, ये पूरा एरिया जो है ना इनका पार्किंग के लिए अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस दिया गया है। हम आ गए हैं इनके बैंक्वेट एरिया में। जैसे मैंने बताया कि आज यहाँ पे एक पता नहीं मे बी एंगेजमेंट है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टेज है, लाइक डेकोरेशंस आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, इन हाउस इनका डेकोरेशन होता है। तो भी ये स्टेज बना हुआ है और इस साइड में सेल्फी स्पॉट भी है एंड देन यहाँ पे जो गेस्ट है उनके बैठने के लिए स्पेस है। तो ये वाला बैंक्वेट का स्पेस है, अभी मैं पूरे बैंक्वेट को दिखाती हूँ। मैंने बैंक्वेट हॉल तो दिखाई आई, अब ये है लॉन एरिया, काफी स्पेशियस है आप पीछे देख सकते हैं। तो वहाँ पे है स्टेज और अगर आप मेरे पूरे एरिया को दिखाऊं तो यहाँ पे जो है केटरिंग का लाइक फूड काउंटर्स लगे हुए हैं, काफी अच्छा खासा स्पेशियस है। एंड मैंने जैसे बताया कि मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा तो हमारा लाइक बिफोर लास्ट ईयर जो डांडिया इवेंट हुआ था वो इसी ग्राउंड में हुआ था, वहाँ पे स्टेज बना हुआ था। ये स्टेज लाइक परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी है, परमानेंट ये बना हुआ है। और स्टेज अभी भी ऐसी कोई ज़रूरत होती है, लाइक अगर कभी यहाँ पे जयमाला वरमाला का सेटअप होता है तो यहाँ पे होता है, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है। अभी तो मैं ऐसे डे पे आई हूँ जहाँ पे कुछ ऐसा ग्रैंड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं है, नहीं तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्फी स्पॉट्स होते हैं। तो या चलिए अभी यहाँ के व्यू को दिखा दें। और गाइस जैसा मैंने आपको इंट्रो में ही बताया, केटरिंग जो है इनका खुद का है, इनका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो वो भी टेंशन फ्री हो जाइए, आपके जो भी फंक्शंस होंगे खाना बढ़िया होने वाला है। और द जामुन ट्री ने खुद का इन हाउस केटरिंग का भी है। जैसे मैंने बताया ये है इनका स्टेज जो कि परमानेंट यहाँ पे ये स्टेज तो बना हुआ है, डेकोरेशंस आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। बगल में यहाँ पे जो है वॉशरूम भी है और यहाँ की लॉन, यहाँ पे गार्डन एरिया की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये पूरे के पूरे स्क्वायर शेप में है, अच्छी तरह से आप स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैंक्वेट्स में, बहुत सारे लॉन में गई हूँ, उनका क्या है कि शेप जो है वो एल शेप में होता है तो वो बिल्कुल यू नो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो पाता है, बट इनका जो है एक तो स्पेस बहुत अच्छा खासा है और पूरे स्क्वायर शेप में है तो आप बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते। और गाइस जैसे कि गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में शादियां हो या कोई भी फंक्शन हो तो यहाँ पे इस तरह के ना कूलर हो गए, फैंस जो है वो आपको अपने हिसाब से जितना लगवाना हो वो आप बोल के ये लगवा। जैसे कि मैं लॉन एरिया को एक कवर कर रही थी तो वहाँ पे एक आप अपना नाम बता दो। ऋतिक राज तो ये आए और इन्होंने बोला कि ये मेरे चैनल को देखते हैं, है ना, सब्सक्राइब भी कर रखा है। हाँ। वीडियो कैसे लगता है? अच्छा लगता है। आप ये फंक्शन में आए हैं? हाँ। किसका फंक्शन है मतलब? लड़का वाले तरफ से। अच्छा, लड़का वाले की तरफ से आप आए हैं, इंगेजमेंट है क्या आज? नहीं, रिंग है। रिंग सेरेमनी, वही इंगेजमेंट ही है। तो कहाँ पे रहते हैं, घर कहाँ पे है आपका? स्टैंड रोड नंबर 6। अच्छा, वीडियो अच्छा लगता है? हाँ। और कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू। ओके, जैसा मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया तो उसी तरीके से मैंने आपको दिखाया, पार्किंग का अच्छा खासा स्पेस है,
बैंक्वेट हॉल भी दिखाया अभी, उसमें भी इंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा है। लॉन एरिया भी देख सकते हैं, लोगों की भीड़ स्टार्ट हो चुकी है। इनका खाना लिटरली बहुत टेस्टी होता है इन हाउस जो भी है। और उनके साथ ही जो आपने चाट वाला वीडियो मेरा देखा था कुल्हड़ के, इनका वो चाट भी आप अपने केटरिंग में इंक्लूड करवा सकते हैं अपनी शादियों में, अपने फंक्शन में। जैसे अभी भी वो चाट के स्टॉल्स लगे हुए थे और इतने डिलीशियस चाट जो है अपनी शादी या कोई भी फंक्शन में करवा सकते हैं। और स्पेशली इनका लॉन एरिया मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज बहुत स्पेशियस है। एक तो पूरे स्क्वायर शेप में है, इतना खासा स्पेशियस है ना कि मतलब एक ग्रैंड लेवल में शादी करनी हो या कोई भी फंक्शन करना हो और बहुत सारे लोगों को बुलाना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा खासा स्पेस तो है ही। और उसके साथ ही यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है, तो अगर आपके गेस्ट भी आ रहे हैं तो उनके लिए रूम्स भी हो गया, बैंक्वेट हॉल भी हो गया, लॉन भी हो गया और अच्छा खासा पार्किंग का स्पेस भी हो गया। सो गाइस, हमने बैंक्वेट लॉन एंड रूम्स के बारे में बात किया ही, और जो इनके ओनर है द जामुन ट्री के ओनर अभिषेक सर हमारे साथ हैं। तो सर वेलकम हमारे चैनल पे। और जैसे कि मैंने कुल्हड़ किंग जो है बाहर में चाट का बनाया था वो भी सर का ही है, कुल्हड़ किंग फाइन डाइन भी सर का ही है, और ये पूरा का पूरा द जामुन ट्री भी सर का ही है। तो सर आप व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे बैंक्वेट, स्पेशली बैंक्वेट लॉन के लिए? लॉन हमारी जो है ना, लॉन की कैपेसिटी अराउंड 1500 पैक्स की है जी। तो बड़ा इवेंट भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं जी। इसके साथ जो है हम लोग का मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम केटरिंग सर्विसेज है जो आपको शादी कहीं मिलने दूसरी जगह, वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या गेस्ट के लिए। और आपको अगर पूरा का पूरा इवेंट भी अगर आपको हमें मतलब हमारे सर पे डालना है, आप अपना टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो हम लोग पूरा का पूरा इवेंट भी कोऑर्डिनेट कर देते हैं, फ्रॉम एंकर्स एंकर्स टू सब कुछ आप लोग सब कुछ। तो आपको क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप जब भी आते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ वेन्यू मिल रहा है या केटरिंग मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप वेन्यू केटरिंग प्रोडक्शन डेकोरेशन जो भी पार्ट्स होता है, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी एरियाज हैं शादी को लेकर के रिलेटेड, वो सब कुछ आपको एक छत के नीचे सारी सर्विसेज। तो आप अब हमें काम दीजिए और आप टेंशन फ्री हो बाकी हमारा। जी जी, और कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सर। सो गाइज, ये था मेरा द जामुन ट्री का ब्लॉग। एंड बुकिंग के लिए जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जरूर चेक कीजिएगा तो बुकिंग आप करवा सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि पार्किंग का बहुत अच्छा खासा स्पेस है, बैंक्वेट है, इनका लॉन एरिया स्पेशली बहुत ही अमेजिंग है, रूम्स भी अवेलेबल है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एक आप अच्छा अच्छे बजट में, एक कम बजट में सब कुछ चाहते हैं, जहाँ पे डेकोरेशन हो जाए, कैटरिंग हो जाए, सब कुछ यू नो टेंशन फ्री होके बस आपको आना है, अपना जो भी शादी करवाना हो, जो भी फंक्शन करवाना है करवाना है। तो यस, उसके लिए आप इनको बुक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जरूर चेक कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।